तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे और बिल्कुल ना के बराबर, उसमें कोई सिलेक्शन होने का चांस नहीं था। दिन बस आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैंने आपको कॉल मिला दी तो आपने वहाँ बुला लिया, मैं वहाँ एक महीने के लिए आ गया। आपको पता है कि मेरा एग्जाम एक महीना है, डेढ़ महीना है, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे एकदम लग जाइए। कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। खाना भी है तो एक तरह से, अगर एक ना किसी किसी ना किसी टॉपिक, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे किसी ना किसी टॉपिक का वीडियो लगा लो और खाओ और पढ़ो। अच्छी बात ये थी आपके यहाँ आने की कि वहाँ का मुझे मतलब जो नेचर था बहुत अच्छा लगा एरिया का, क्योंकि सब लोग जो थे वहाँ के लड़के थे, एटमॉस्फेयर था सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो इस वजह से इंसान मोटिवेट होता था और इतना चैलेंज था कि इंसान सामने वाले को देखता था कि यार वो इतना पढ़ रहा है, तो एक माइंड में हो जाता था कि यार नहीं, मुझे आखिर मैं आया ही इसलिए हूँ यहाँ पे। रिगार्डिंग देखा जाए तो BSPACL में 50% नॉन टेक आता है, 50% टेक्निकल आता है, तो आपको दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। आपके हिसाब से BSPACL का जो एज ए टेक्नीशियन सही है? नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, मेरे साथ प्रवेश खान है और ये BSPCL के टॉपर रह चुके हैं। 2018 बैच में ये सिलेक्ट हुए थे, 19 में ज्वाइनिंग कराया गया था BSPCL की तरफ से। तो आज ये मेरे साथ जुड़े हैं और EGVA के 2018 बैच का स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो इनसे बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि प्रवेश भी मात्र एक महीने के अंदर में ये भी तैयारी किए थे, क्योंकि BSPCL कम ही टाइम देता है। और क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था इन्होंने तैयारी के लिए और काफी अच्छा नंबर इन्होंने लाया था। तो बहुत सारे सवाल इनसे जुड़ा हुआ है और बहुत दिनों बाद ये मेरे स्टूडेंट है जो मिले हैं। तो मैं सोचा कि BSPCL की भर्ती आई है तो बहुत कुछ जानकारी जब ये देंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई तैयारी में और क्या अपना चेंज करना चाहिए। ठीक है, स्वागत है प्रवेश इस लाइव सेशन में, अपना परिचय बताइए थोड़ा। कार, मेरा नाम प्रवेश खान है, मैं रहने वाला मीरगंज जिला गोपालगंज का हूँ और मेरी पढ़ाई जितनी भी है वो कानपुर से हुई है। ITI भी मैंने कानपुर से ही किया है 2013-15 बैच में, और उसके बाद तो सर आई थिंक 3 साल बाद आपसे मुलाकात हुई है और वहां मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ITI करने के बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपने और BSPCL के अलावा और कितने एग्जाम दिए थे? पहला एग्जाम मेरा UP अर्बनल था ITI करने के बाद, और ITI करने के बाद मैंने गवर्नमेंट ITI से ITI किया है, तो वहां पे पढ़ाई का तो सबको पता ही है कि कितना पढ़ाया जाता है। और बहुत ज्यादा मैं उस वक्त मेरी एज भी बहुत कम थी, मैंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था ITI के ऊपर, तो उसमें तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे और बिल्कुल ना के बराबर, उसमें कोई सिलेक्शन होने का चांस नहीं था। बातें सीधे BSPCL पे, BSPCL का आपने फॉर्म भरा था और उसमें जो आपने तैयारी किया था, EGVA कोचिंग भी ज्वाइन किए थे, तो आपका तैयारी का जो स्ट्रेटेजी था क्या था BSPCL के लिए? BSPCL में सर, जब मैंने BSPCL की तैयारी चालू की तो उस वक्त तक मैं काफी एग्जाम दे चुका था, तो मुझे सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से लेके जो भी एग्जाम है उसका एक ओवरऑल सिलेबस कुछ ना कुछ उसका मुझे को अंदाजा लग गया था कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस आते हैं या आ रहे हैं। अब रही बात बिहार, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार की थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे क्या लेवल है एग्जाम का, और इसका कोई मतलब कोई पुराने पेपर भी नहीं थे कि उसके बैक पेपर में देख के सॉल्व कर सकूं या उसका कोई आइडिया लग सके। तो इस वजह से, और मैंने कभी बिहार को एग्जाम नहीं दिया, मैंने जो भी दिया यूपी दिल्ली का एग्जाम दिया था। मैं बिहार आया तो मैंने एक दिन बस आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मैंने आपको कॉल मिला दी तो आपने वहां बुला लिया, मैं वहां एक महीने के लिए आ गया। वहां आया तो मुझे सबसे पहले देखना था कि यहाँ के बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैंने वहां देखा तो वहां के हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पे सिलेक्शन मेरा हो सकता है, मतलब चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि मैंने लेवल देखा लड़कों का, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही रही कि मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया थ्योरी पे। थ्योरी मैं सारे बच्चों को यही प्रेफर करता हूँ कि थ्योरी पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। आप अगर सोचे कि MCQs पढ़ के मैं एग्जाम निकाल लूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल उसी के लिए से किस्मत बहुत अच्छी हो कि उसने अगर वो पढ़ के गया है MCQs और वो एग्जाम में आ गए सेम, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये रूल है कि आप थ्योरी पढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चन आपको दे रहा है वो कंफर्म ये नहीं है कि जो आप MCQs में पढ़ के आए हैं सेम वही लैंग्वेज आएगी, क्योंकि सारा खेल लैंग्वेज का है जी। नहीं तो चैप्टर्स तो वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, लेकिन सारा खेल लैंग्वेज का है और उसके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी मान लीजिए एक बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं नोट्स बना लिए थ्योरी में, तो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहे थ्योरी से। हाँ बिल्कुल, वो तो सर लास्ट में जैसे कि आप एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम देने से आपको पता है कि मेरा एग्जाम एक महीना है डेढ़ महीना है, उसके बाद आप MCQs पे एकदम लग जाइए, उसमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई ये सोचे कि सिर्फ और सिर्फ MCQs पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि BSPCL का जो टाइम है अभी
बोला है कि हम मई में एग्जाम ले लेंगे, मई जून के बीच में ले लेंगे, 2 महीने टाइम, 60 दिन टाइम। जी तो कुछ बच्चे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो अभी जस्ट फॉर्म आया है तो तैयारी करना शुरू किए होंगे। तो सबसे पहले बताइए वो बच्चे के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, इजीवे कोचिंग से बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और भी जगह से तैयारी करते हैं, तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है कि ज्यादा, अगर वो अगर दिन भर में अगर वो 5 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे जो है वो एमसीक्यूज ही सॉल्व करें, कम से कम 3 घंटे तो एमसीक्यू सॉल्व करें, और बाकी के जो 3 घंटे हैं उसमें वो बुक की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें। और जब वो पढ़ते रहेंगे ना, जब वो पढ़ते रहेंगे बुक्स को, तो उनको एक एग्जाम से जब वो एग्जाम भी दे चुके हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक आइडिया रहता मिल जाता है कि उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरी किताब का हर एक लाइन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें टॉपिक्स पिक करने हैं और उसके लिए आप लोग हैं, टीचर्स हैं, वो लोग बिल्कुल है कि आप लोग उसका समर्थन करेंगे, उसका ध्यान देंगे। हम आपका व्यू जान रहे हैं, ठीक है, बाकी हम लोग तो गाइड करते ही हैं। तो आपका जो कहने का मतलब ये कि 60-70% आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और जी एमसीक्यूज पे थ्योरी को देखते रहें, जिससे आपका जो जी बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न है और बेहतर हो सके और कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। जी बहुत अच्छा। जी जी जी, अगर नए तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उससे आप फंसे नहीं, थ्योरी इस वजह से पढ़नी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो नए बच्चे हैं जो अभी जस्ट बोल रहे हैं कि हम भाई बीएसपीसीएल का भर्ती है, हम फॉर्म भरे, हम तैयारी करना है, 60 दिन टाइम है, उनको क्या करना चाहिए? 60 दिन के लिए तो स्ट्रेटेजी यही है कि आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, आपको मतलब समझिए कि खाना भी है, तो एक तरह से अगर एक ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पे किसी ना किसी टॉपिक का वीडियो लगा लो और खाओ और पढ़ो, मतलब समझिए कि इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होगा 60 दिन के अंदर। बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैंने तैयारी लगभग की है 9 महीने मैंने तैयारी की कायदे से अगर देखे जाए, उससे पहले मैं मतलब तैयारी नहीं थी, बस खाली पढ़ता था। तो अगर मैं अपने 9 महीने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं 9 महीने के हिसाब से अगर बताऊं तो शुरू में 4 से 5 घंटे ही पढ़ पाता था, 4 से 5 भी नहीं पढ़ पाता था क्योंकि मैं अप्रेंटिस कर रहा था तो उसमें टाइम उतना नहीं मिलता था। वही रात में आता था तो रात में 2-3 घंटे और सुबह उठता था तो लगभग 1.5 घंटे, तो वही लगभग 3 घंटे। लेकिन जब आपके पास आया, क्योंकि मैंने अप्रेंटिस तुरंत छोड़ी थी, तुरंत छोड़ने मतलब छोड़ी गया थी, मेरा कन्फर्म क्लियर हो गया था 1 साल, तो मैं पहुंचा उसके बाद आपके पास पहुंचा, तो वहां पे मेरी पढ़ाई लगभग क्योंकि सिर्फ खाना था और पढ़ना था तो 8 से 9 घंटे पढ़ाई होती थी वहां पे, और कोई काम था नहीं, नहीं तो 8 से 9 घंटे पढ़ाई होती थी। और मैं ये भी बता दूं कि 2 घंटे से ज्यादा मतलब लगातार मैंने पढ़ाई, ऐसा नहीं कि 8 घंटे में लगातार पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा लगातार पढ़ाई नहीं की, 2 घंटे पढ़ाई करता था उसके बाद ईयरफोन लगा के 15 मिनट गाने सुनता था मोटिवेटेड, जिससे मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर से चालू करता था। और अच्छी बात ये थी आपके यहाँ आने की कि वहां का मुझे मतलब जो नेचर था बहुत अच्छा लगा एरिया का, क्योंकि सब लोग जो थे वहां के लड़के थे, एटमॉस्फेयर था सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का था और कुछ भी नहीं था वहां पे, तो इस वजह से इंसान मोटिवेट होता था। और इतना चैलेंज था कि इंसान सामने वाले को देखता था कि यार वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, तो एक माइंड में हो जाता था कि यार नहीं, मुझे आखिर मैं आया ही इसलिए हूँ यहाँ पे, तो बिल्कुल कम से कम जितने ज्यादा सामने सब लोग दिखता था कौन कौन पढ़ रहा है। जी जी, हम लोग एक हॉल में 10 लोग थे जी, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था कोई ना कोई पढ़ता ही रहता था, तो लगता था कि यार हम सब के गलती कर रहे हैं, पढ़ना चाहिए हमको। जी 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 जी, सबकी टाइमिंग अलग अलग थी। जी बिल्कुल। अब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, घर में कौन कौन सा है थोड़ा सा बताइए, जानकारी दीजिए। सर घर में मम्मी पापा हैं, एक भाई है और एक बहन है और हम हैं। बचपन आपका कहाँ बीता, सरकारी स्कूल से थे या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं? नहीं नहीं सर, प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाई की सर, बचपन से कानपुर में ही रहे अपने नाना के घर पे, यहाँ पे सर पढ़ाई का माहौल था नहीं हमारे दादा के घर पे, तो नाना के घर पे ही रहे बचपन से, वहीं पढ़ाई की पूरी पढ़ाई, मतलब ग्रेजुएशन तक की वहीं पढ़ाई हुई है, आईटीआई भी मैंने वहीं से किया है, आईटीआई गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, बाकी सारी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से हुई है। तो पढ़ने में बचपन में ठीक ठाक थे, एवरेज थे, क्या मानते अपने आपको, पढ़ने में बहुत अच्छा थे या मीडियम? सर माने तो क्लास 5th तक तो बहुत अच्छे थे उसके बाद फिर जानते हैं सर इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है तो दोस्ती यारी इधर उधर के चक्कर में थोड़ा सा एवरेज हो गया, उसके बाद से इंटर मतलब हाई स्कूल तक एवरेज थे, 11th तक
पढ़ाई की। उसके बाद घर वालों ने देखा कि ज्यादा ये अब पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहा है, इसको आईटीआई का फॉर्म डलवा दो। तो फिर मैंने आईटीआई का फॉर्म डाला, एग्जाम दिया तो वो निकल गया। तो फिर मामू लोगों ने कहा कि ऐसा करो इंटर साथ में कर लो प्राइवेट और आईटीआई करो। अच्छा, तो फिर वहां से मेरा आईटीआई का सफर शुरू हुआ। नहीं नहीं सर, यूपी बोर्ड था, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम था। कितना नंबर आया था आपका टेंथ में? सर टेंथ में मेरे 73% थे। और आईटीआई में तो करना ही नहीं, अच्छा नंबर होगा मेरे हिसाब से, 80 होगा। हाँ सर 83%। 83% था, गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद आपने जैसे आईटीआई किया तो क्या उस समय समझ में आने लगा था कि बहुत ज्यादा भर्ती आती है आईटीआई लेवल पे? कैसे पता चला आपको, बहुत सर्च करते थे? सर मुझे बिल्कुल सर कोई आइडिया नहीं था इसका, आईटीआई के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे इसमें मेरे मामू के द्वारा मतलब इसके बारे में थोड़ा बताया गया और उन्होंने ही मेरे लिए फॉर्म खरीदा और उन्होंने ही भरा। बस मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं उसके अंदर जब गया तब काफी चीजें पता चली कि हाँ इससे जॉब्स किस लेवल की हैं और क्या क्या जॉब्स हो सकती हैं, तब जाके मुझे वहां पता चला। नहीं तो उसके पहले मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, बस वहीं जाके जो पता चला सो पता चला। कभी बीच में वहां के जो सीनियर भैया लोग थे, जी बीच में ऐसा डीमोटिवेशन नहीं हुआ कि भाई छोड़ो ये सब, हमको बेकार सा लग रहा है, नहीं होगा हमसे? दो तीन एग्जाम दिए थे, काफी करीब भी पहुंचे। हाँ हाँ सर, उस समय मतलब जो सर बिना तैयारी के एग्जाम दिए हो सर, उसमें कोई फायदा नहीं। मतलब कोई इंसान नहीं समझ सकता है कि उसका मतलब उसका क्या फायदा हो सकता था, क्योंकि जब पढ़ा ही नहीं तो फिर उसमें क्या अफसोस। लेकिन हाँ जिसमें सर मैंने तैयारी की थी उसमें सर बहुत अफसोस हुआ कि 0.6 से मेरा सिलेक्शन रुका था। उसके बाद मैं बहुत डीमोटिवेटेड था, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, बहुत डीमोटिवेटेड था। मतलब बिल्कुल ही था कि अब यार अब छोड़ देना इसको यार, प्राइवेट ही जॉब है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि सर मैं बताऊं, मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन भी कर ली थी एज अ इलेक्ट्रीशियन। मेरे मामू ही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो वहां पे मैंने आउटसोर्सिंग के थ्रू प्राइवेट जॉब ज्वाइन भी कर ली थी। मैंने 2 महीने वहां जॉब करी है अप्रेंटिसशिप छोड़ने के बाद, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, घर वालों ने बहुत लेकिन मतलब मोटिवेट किया कि हाँ वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी एज है तुम्हारी। बट बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर, सबसे बड़े हम ही हैं, भाई बहन छोटे हैं। तो फिर तो जो वीडियो आप इजी वे का देखे थे मेरा 18 वाला, तो यूपी में थे, देखे थे या बिहार आ गए थे उस समय? नहीं सर, उस टाइम पे वही बताया ना, मैं बहुत डीमोटिव, उस समय मेरा रिजल्ट आया था उसका और हाँ दिल्ली मेट्रो का, क्योंकि सर तैयारी मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गए थे। तो वो जॉब से मैंने छुट्टी ले ली, छुट्टी लेके मैं घर आ गया था अपने यहाँ पे मम्मी के पास और यहीं पे था। तो उसके बाद फिर मुझे जाना भी था, 10 दिन के बाद मुझे जाना था वापस ज्वाइन करने जॉब को। बट मतलब बात हुई सबसे, जो ये फॉर्म के बारे में बताया मैंने, तो अभी अभी आपका वीडियो मैंने देखा नहीं था, तो घर वाले पहले ही मोटिवेट कर रहे थे कि अरे पढ़ो, पढ़ने में अच्छे हो, और मेरे मामू लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि जब 0.6 से रुक रहा है तो इस समय ही ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि ये जो आखिरी के 5 नंबर होते हैं ना, सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगती है। बाकी के 80% मार्क्स तो कोई भी लेके आ जाता है, लेकिन लास्ट के 20% मार्क्स में ही मेहनत लगती है, उसमें पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। तो फिर मैंने उन लोगों की बात थोड़ी ध्यान दी, तब जाके मैंने कुछ रिसर्च चालू की। फिर मैंने यूट्यूब खोला, मैंने बिहार के बारे में देखा कि क्या है, क्या स्ट्रेटेजी लोग क्या होती है, एग्जाम किस लेवल का आता है, तब आपका वीडियो देखकर आपके पास पहुंच गए। गुड, तो जैसे आप पढ़ाई करते थे तो ज्यादा टेक्निकल अप्रोच रहता था या नॉन टेक्निकल भी सब्जेक्ट आप पढ़ते थे? सर ज्यादा मेरा अगर पूछा जाए तो 80% मेरा अप्रोच टेक्निकल ही रहा है, नॉन टेक पे मैंने बहुत कम ध्यान दिया है बचपन से ही। मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है नॉन टेक की तरफ, टेक्निकल में बचपन से ही था। थोड़ी सी चीजें घरों में कुछ छोटी मोटी चीजें बनाना या करना तो अच्छा लगता था, तो बस टेक्निकल पे ही ज्यादा फोकस था। नॉन टेक्निकल मैथ रीजनिंग जीके जैसे सबसे बहुत दूरी रहा है शुरू से ही आपका? नहीं नहीं, मैथ मैथ सर मैथ रीजनिंग तो बहुत अच्छी है अपनी, ये तो ऊपर वाले का बहुत करम है। बस ये है कि जो बाकी चीजें हैं, जो जनरल अवेयरनेस है, इन सब पे बहुत कम थोड़ा ध्यान था मेरा। न्यूज़ बहुत कम देखते थे या ये सब पढ़ना थोड़ा सा बहुत कम था जीके वगैरह के बारे में। तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, फ्यूचर में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं आईटीआई करके, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? कहना यही चाहेंगे कि देखिए हर एग्जाम की अपनी अपनी लिमिट्स हैं, कहीं पे मतलब नॉन टेक जो है कम पूछा जाता है, कहीं पे ज्यादा पूछा जाता है। अगर BSPSCL के रिगार्डिंग देखा जाए तो BSPSCL में 50% नॉन टेक आता है, 50% टेक्निकल आता है, तो आपको दोनों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में कहीं 80-20 का रेशियो है, कहीं पे 70-30 का रेशियो है, तो जाहिर सी बात है आपको टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेरा भी वही फोकस था, मगर बट जब यहाँ पे आया तो पता चला 50-50 का रेशियो है, तो खैर लेकिन फिर भी टेक्निकल मेरी मतलब ऊपर वाले क्रम से इतनी अच्छी थी कि नॉन टेक का उतना ज्यादा मेरे पे असर नहीं पड़ा, तो इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। आईटीआई आपके लिए एक सजेशन चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आईटीआई बेकार है, नहीं करना चाहिए, कुछ मतलब नहीं रहता है, तो आपके अनुसार आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे सर ऐसा देखिए, मैं ये कहता हूँ सबसे पहले तो आप वो करिए जो आपका मन करे, जो जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं और उसमें आपका आईटीआई भी एक ऑप्शन है, तो मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन, और भी अगर इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं तो स्कोप बहुत है जॉब का, उसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करिए। सिलेक्शन अगर आप कर रहे हैं, हम तो जानते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कन्फर्म मैं लिख के दे सकता हूँ कि सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि इसकी लिमिट्स हैं, इसके सिलेबस की लिमिट है, आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बिल्कुल, इस वजह से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि इससे कोई जॉब नहीं है या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इसका बहुत है, और आपका जो गवर्नमेंट फील्ड है इसमें भी है, और जो नॉन गवर्नमेंट फील्ड है उसमें तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कमी नहीं है। नॉन गवर्नमेंट में तो मतलब आप अपने घर के आस पास ही अपना बिजनेस करके पैसा अच्छा कमा सकते हैं। बिल्कुल आप कमा सकते हैं, बस उसके लिए आपको हाँ थोड़ी सी पूंजी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा बीएसपीसीएल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से बीएसपीसीएल का जॉब एज ए टेक्नीशियन सही है? बीएसपीएचसीएल का जॉब एज ए टेक्नीशियन सही क्या, मैं तो बहुत सही मानूंगा, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है, जिम्मेदारी वाली जॉब है, ये मैं कहूंगा कि यहाँ जिम्मेदारी वाली जॉब है। इस आईटीआई से जो पोस्ट हैं वो आई थिंक 2-3-4 पोस्ट हैं हमारे यहाँ, ठीक है, हाँ 4 पोस्ट हैं, और आप मतलब और ये बताया जाए कि जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हो रहा है तो एक ही पोस्ट पर सिलेक्शन हो रहा है, टेक्निकल 3 के अंदर ही सारी पोस्टें आ जाती हैं आपकी। एक एसबीओ मतलब स्विच बोर्ड ऑपरेटर, मैं उसी पोस्ट पे हूँ अभी, कार्यरत हूँ स्विच बोर्ड ऑपरेटर, उसका काम है जो जितने भी स्विच बोर्ड है, वीसीबी है, वीसीबी आप लोग पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिशियन जो पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं, तो उसको ऑपरेट करना है, और जो ट्रांसफॉर्मर है उसका रख रखाव है, वीसीबी का रख रखाव है, जो आइसोलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, उनके बारे उनका रख रखाव है, ये काम है। आपको बिजली बस पहुंचा देनी है, 33 को 11 में कन्वर्ट करना है अपने पीएसएस में, पीएसएस मतलब पावर सब स्टेशन, आपकी वहां ड्यूटी रहेगी, वहां पे आपको उस 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करना है और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये एसबीओ का काम है। उसके बाद जॉब आती है दूसरी जेएलएम की, जेएलएम मतलब जूनियर लाइनमैन, जूनियर लाइनमैन का काम है कि जो मेंटेनेंस वर्क उनको देखना है, फील्ड का मेंटेनेंस उनके ऊपर है, ठीक है। और एक जॉब है जिसे TG3 ही बोलते हैं, वो जॉब आपकी ट्रांसमिशन में है, ये हमने जो जॉब बताई है ये डिस्ट्रीब्यूशन में है, और वो जॉब ट्रांसमिशन में है, उसमें आपको ट्रांसमिशन का रखरखाव देखना है, जो काम यहाँ जेएलएम कर रहा था वो काम वहां पे TG3 करता है। और एक जॉब है TG2 की, अब उसकी वैकेंसी डायरेक्ट आएगी कि नहीं आएगी ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट मेरे टाइम पे आई थी, उसे असिस्टेंट ऑपरेटर कहते हैं, तो उसमें उसका लेवल भी हम लोगों से एक लेवल अप है, हम लोगों का जो इस समय सैलरी है वो लेवल 4 की आती है और उनकी लेवल 5 की आती है, हालांकि एग्जाम एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन हाँ नंबर से प्रिफरेशन मिलती है, जिसका नंबर ज्यादा होता है उसे AO मिलती है, बट अभी इस वैकेंसी में तो AO की जॉब नहीं है, नहीं क्योंकि उसकी वैकेंसी TG2 में है जी। उसका काम सेम SBO का ही है, उसके बारे में बता दूं AO का काम क्या है, जो SBO का काम यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में है वो AO का काम वहाँ पे ट्रांसमिशन में, बस इतना ही अंतर है। सैलरी थोड़ा सा नहीं पूछा जी, लेकिन एक ऑलमोस्ट सैलरी इनिशियल कितना मिलता है, आप थोड़ा सा एवरेज? ऑलमोस्ट सैलरी मैंने जब ज्वाइन किया था उस टाइम पे सैलरी हम लोगों को 36 के अराउंड हम लोगों की ग्रॉस सैलरी बनती थी, और 30,500 के अराउंड हम लोगों को इन हैंड मिलती थी, और आज के टाइम पे बता दे तो आज के टाइम पे सैलरी हम लोगों की लगभग 51,000 ग्रॉस बनती है, और 46,000 आई थिंक नेट सैलरी आती है इन हैंड। अच्छा सैलरी है, सुनकर तो बहुत अच्छा लगा जी सर, बहुत मेहनत की है सर सैलरी के लिए। और इसमें फैसिलिटी क्या क्या, और इसके अलावा क्या क्या सुविधा रहता है बीएसपीसीएल? तो सुविधा सारी है, गवर्नमेंट जॉब की जो सुविधा होती है वो सारी सुविधाएं हैं इसमें, आपको मेडिकल की सुविधा मिल जाती है, मेडिकल के लिए
जो भी है, कोई कार्ड तो नहीं है, बट आप अपने यहाँ से प्रिफर, मतलब जो है जो आपका जिस जिला में होंगे आप, उस जिला में जाके आपको रिफर कराना पड़ेगा किसी भी हॉस्पिटल में, वहां पे जाके आप इलाज कराइए, उसके बिल सारे कलेक्ट करिए और अपने डिवीजन में जमा कर दीजिए। आपका जो पैसा मेडिकल में खर्च हुआ होगा वो CGHS का जो रेट होगा उस रेट से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, रहने के लिए कुछ मिलता है क्या, मतलब आवास वगैरह? रहने के लिए आवास सर हर जगह तो नहीं है, देखिए पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड है आपकी पोस्टिंग का। अगर पटना पोस्टिंग है या फिर आरा में कुछ जगह है या कहीं पे भी, मतलब ऐसे उतना मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पे कितना आवास है, बट हर जगह आवास अवेलेबल नहीं है। अभी हम जहाँ पोस्टेड है वहाँ पे आवास नहीं है, तो आपको खुद से ही HRA मिलता है क्या? हाँ, HRA मिलता है, आपकी सैलरी में ही रहेगा। HRA मिलता है, स्पेशल एनर्जी अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि आप घर में जब बिजली चला रहे हैं वो, और जैसे अदर स्टेट है तो कहीं कहीं बिजली फ्री है, बट अपने बिहार में बिजली आपको फ्री नहीं मिलेगी। जो एम्प्लॉय है BSPCL के, उनको एक 6% का एनर्जी अलाउंस मिलता है। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 6% आपको अलग से दिया जाएगा कि आप अपना बिजली का बिल उससे अदा कर सकें। अच्छा है, और इसके अलावा बाकी सब तो कोई सवाल दिमाग में नहीं आ रहा है। अब बाकी आपके जैसे बुढ़ापे के लिए जो पुरानी पेंशन थी वो तो खैर सबको पता है कि खत्म कर दी गई सरकार के द्वारा, तो NPS का जो है वो कटौती होती है, उससे आपको मतलब आपकी सेविंग्स भी होगी और आपको बाद में अगर पेंशन के लिए आप एनुटी भी खरीद सकते हैं उससे, तो वो भी एक अच्छी चीज है। छुट्टी कितना मिलता है क्या सर? छुट्टी सर जितने भी नेशनल हॉलीडेज हैं वो तो मिलते ही हैं, और उसके ऊपर जो CL EL ये सब मिला के लगभग 42 हॉलीडेज आपके और हैं, वो तो आप ले सकते हैं। मेडिकल लीव है, ये सब है, तो वो आप अपने जरूरत के हिसाब से। टोटल 42 डेज है। जी जी जी, तो चलिए परवेज, बहुत अच्छा लगा मिलके, और इस लाइव सेशन माने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी आगे जाइए। जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं है, और कभी पटना ये तो जो सैलरी बहुत मिल रहा है कुछ मिठाई उठाई खिलाइए। बिल्कुल सर, इतना सर जॉब पे ही जाना आना इतना होता सर कि पटना की तरफ आना ही नहीं हो पाता है, रूट भी नहीं है। अगर रूट है तो जरूर आया जाता, लेकिन अब रूट भी नहीं है, बट आपसे मैंने वादा किया है कि ईद बाद आपसे मिलने जरूर आएंगे, तो आएंगे। चलिए आइए, वेलकम रहेगा। अब हमारे बहुत सबसे होनहार स्टूडेंट और पहले बैच के स्टूडेंट है, तो काफी लगाव भी है इस वजह से भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश मिलने के लिए, आगे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, नमस्कार।